अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद जावेद और आप देख रहे हैं मैं प्रोग्राम रूबरू। नाज़रीन, रूबरू में हम ऐसे पर्सनालिटीज़ को आपके सामने पेश करते हैं जो माशी एतबार से या कुछ डॉक्टर्स है या कोई इंजीनियर्स है या कोई आलिम है, ऐसी चीज़ें आपके सामने पेश करते हैं जिसकी वजह से आपके मालूमात में इजाफा होता है। नाज़रीन, हमारा मकसद सिर्फ ये होता है कि इस्लाह माशरा पे हम बात करें और माशरे के और समाज और सोसाइटी के जो ख़ास तौर पे जो यूथ है उनको मालूमात फराम हो सके, चाहे वो माशी एतबार से हो या उनकी अपनी समाज और सोसाइटी में क्या जिम्मेदारी होती है इस तालुक से क्या मांग। एक ऐसे ही एक पर्सनैलिटी को हम आज आपके सामने रूबरू कर रहे हैं जिनका नाम मोहम्मद आरिफ है। और आइए मैं इनसे तारुफ आपका मुख्तसरन ये देना चाहूँगा कि ये लॉ के स्टूडेंट हैं, क़ानून की तालीम हासिल कर रहे हैं। तो इस बारे में कि ये लॉ की जो डिग्री है या लॉ इस वक्त क्या समाज और सोसाइटी की अहम ज़रूरत है, ऐसे कई सवालात के साथ आज हम बात करते हैं मोहम्मद आरिफ से। ये ऐसा अपने अजायम रखने वाला ये नौजवान, इसकी बातों से ये महसूस होता है कि ये फ्यूचर में मुस्तकबिल में कौम व मिल्लत के लिए एक रहबर साबित हो सकता है। बहरहाल हम दुआ करते हैं कि इस नौजवान के जो अजायम है या इस नौजवान के जो इरादे हैं अल्लाह इसको कामयाब करे। लेकिन इस ताल्लुक़ से आइए हम बात करते हैं मोहम्मद आरिफ से। आरिफ साहब, सबसे पहले हमारे इस प्रोग्राम रूबरू में आपका मैं वेलकम करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया और इस्तकबाल करता हूँ। और सीधे आपसे सवाल कि आपका सबसे पहले हमारे नाज़रीन के लिए अपना इंट्रोड्यूस दीजिए, अपना तारुफ दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है और मैं गुलकुंडे में रहता हूँ और मैं जो है LLB फाइनल ईयर का जो है तालिब इल्म हूँ। सुल्तानुलम कॉलेज लॉ कॉलेज से जो है मेरी तालीम चल रही है और मैं लॉ पहले से ही मुझे बहुत अच्छा लगता था। स्कूल के टाइम से जो है मुझे सोशल सब्जेक्ट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। सोशल के बाद स्कूल SSC होने के बाद इंटर में जब मैं दाखिल हुआ, इंटर में आने के बाद जो है सिविक्स में जो है मेरे मार्क्स वगैरह अच्छे थे, सिविक्स सब्जेक्ट में जो है मेरी इंटरेस्ट ज़्यादा था, तो उस एतबार से जो है मैंने लॉ लेने का फ़ैसला किया। आरिफ साहब, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि ख़ास तौर पर ऐसे कई इंजीनियर्स में भी कई ऐसे कैटेगरीज है जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है, ECE है, ऐसे कई एक इंजीनियर्स है, आजकल मैकेनिकल इंजीनियर है। आपसे मेरा सवाल ये है कि आप ख़ास तौर पे क़ानून हासिल करना या लॉ में जो है ना एडमिशन लेने की वजह क्या है? सबसे पहले मेरी वजह लॉ में दाखिला लेने की ये है कि मुझे जो है लॉ के ज़रिए मैं जो है जो भी समाज का गरीब तबका है, यानी कि जो आम लोग हैं, लोग के कुछ ना कुछ डिस्प्यूट्स रहते हैं जिस वजह से उन्हें कोर्ट जाना पड़ता है। सही। उन्हें या तो केस फाइल करना पड़ता है या तो कोई उनके खिलाफ केस फाइल करता है। सही। तो उस सिलसिले में जो है उन्हें कोर्ट जाना पड़ता है और मिडिल क्लास के लोग जब कोर्ट जाते हैं तो जो भी एडवोकेट है, चाहे कोई सीनियर रहने दीजिए या जूनियर रहने दीजिए या जो भी एडवोकेट रहने दीजिए, वो लोग जो है उनसे फीस चार्ज करते हैं। सही। जो है मिडिल क्लास लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है उसे देना करना, फिर लंबे प्रोसीडिंग्स चलते हैं, ट्रायल्स, फिर नेक्स्ट डेट दी जाती है, केस का जो है थोड़ा लंबा सिलसिला चलता है। सही। और वो उस दरमियान जो है एडवोकेट अपनी फ़ीस चार्ज करते हैं। सही। तो मेरा ये पहले से ही ख्याल था कि मुझे लॉ करना है, करने की वजह ये रहेंगी कि मैं आवाम की खिदमत कर सकूँ। अच्छा। तो वो सिलसिले में पैसा तो हर फील्ड में है, अगर आप इंजीनियरिंग की फील्ड में जाओगे उसमें भी आप कमा सकते हो, MBBS की फील्ड में जाओगे, डॉक्टरिंग की फील्ड में जाओगे उसमें भी कमा सकते हो आप। मैं लॉ लेने की वजह ये है कि लोगों की खिदमत, पैसा तो कैसा भी कमा सकते हैं मगर जो भी लोग आते हैं अपने परेशानियाँ अपने मजबूरियाँ लेके, मैं उन लोगों की खिदमत करना चाहता हूँ। आरिफ साहब, आपका ये जो अज़्म है यकीनन हम अल्लाह से दुआ करते हैं, नाज़रीन से भी हम ये कहना चाहते हैं कि नाज़रीन भी इस नौजवान के जो अजायब हैं, गरीब मिस्किन अफराद जो परेशान गुन हालात में जब सारी जगह से उनको नाइंसाफ़ी मिलती है, नाउमीदी मिलती है, तो वो जो है कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं, वहाँ पे इंसाफ का गुहार लगाते हैं, इंसाफ के लिए जाते हैं, जहाँ पे वकीलों से मुलाकात और फिर वकीलों का उन गुरबा का इस्तेहसाल।
बहरहाल हम कहना चाह रहे हैं कि ये नौजवान एक समाज और सोसाइटी के इन मजलूमीन और इन ऐसे नादार लोगों की खिदमत के लिए इस अज़्म के साथ में ला की डिग्री हासिल कर रहा है। आपसे भी हम इल्तिमास करते हैं कि ऐसे नौजवानों के लिए आप यकीनन इस समाज सोसाइटी के हमारे मिल्लत के ये जो नौजवान है इनके लिए दुआएं कीजिए। आइए सब, मैं एक आपसे एक और सवाल करना चाहूँगा कि ख़ास तौर पर आपने कहा कि जो है ना, मैं गरीबों की मदद के लिए ऐसे अफराद की जो मुस्तहिक है उनके लिए केस लड़ूंगा या केस जो है ना उनको इंसाफ दिलाऊंगा। मेरा सवाल ये है कि ख़ास तौर पर ला में अब मौजूदा सूरत हाल में वकला के अंदर मुस्लिम कम्युनिटी की जी तादाद बहुत कम होती जा रही है, ज़्यादा कम है, कम है। तो मेरा आपसे बोलना ये है कि क्या आप मशवरा देंगे कि नौजवान को ख़ास तौर से कि भाई यूथ जो है ना, जो अब इस पीरियड में उनका मुस्तकबिल उनके हाथ में है, तो उनसे आप क्या कहें कि भाई ला भी थोड़ा सा आप इधर भी एडमिशन लीजिए या ऐसा इरादा कीजिए या इसमें भी आइए, क्या बोलना है आपका? जावेद साहब, आप ये जो बात फरमाई कि मुस्लिम्स लॉ में जो है लॉयर्स एज अ लॉयर बहुत कम है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं आप। मुस्लिम तबके में क्या है, लॉ को घर वाले क्या है ज़्यादा वो नहीं देते कि आप लॉ करिए, लॉ के उसमें जो है आप मुस्तकबिल बना सकते, उसे अच्छा करने से तो आप बाहर चल जाओ या आप कुछ दूसरा कर लो, लॉ में कुछ स्कोप नहीं है। लॉ में बहुत ज़्यादा स्कोप है, लॉ में आप चाहे तो क्रिमिनल लॉयर बन सकते हो, सिविल लॉयर बन सकते हो, इंडियन आर्मी ज्वाइन कर सकते हो एज अ ऑफिसर, जो कि जज एडवोकेट जनरल ऑफिसर का पोस्ट रहता है, उसके लिए आपको जो है लॉ की डिग्री ये हासिल करनी होती है और उसके बाद आप जो है एक आपको वो दिया जाता है SSB बोलकर एक जो है टेस्ट होता है, वो अगर टेस्ट आप पास कर लेते हो तो आप जो है इंडियन आर्मी भी ज्वाइन कर सकते हो, आप ट्रिब्यूनल्स में जा सकते हो, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल है या वक्फ ट्रिब्यूनल है, जो आपको बेहतर लगे आप वो फील्ड में जो है जाके अपना मुस्तकबिल बना सकते हो। और जी जावेद साहब, खते कलामी की माफ़ी चाहता हूँ मैं आरिफ साहब, मेरा एक सवाल ये है कि ख़ास तौर पर आप एक मिल्लत के यूथ और इन नौजवानों के दर्द लेके आप जो है ना आगे बढ़ रहे हैं, ये बात सही है। जी और मेरा सवाल ये है कि इस वक्त चूंकि आप एक जूनियर स्टूडेंट से आगे निकल चुके हैं, अब सीनियर स्टूडेंट्स में आपका शुमार होने लगा है, तो मेरा सवाल ये है कि उन जो जूनियर स्टूडेंट्स है अब इस वक्त जो है ना SSC और एंटर के बीच की जो उनकी कैफियत है, उनके लिए आप अगर पूछेंगे मई के भाई क्या मशवरा देना चाहेंगे तो उनको थोड़ा सा मशवरा दीजिए कि आप उन्हों किस किस्म से अपने आइंदा मुस्तकबिल की प्लानिंग करनी चाहिए, मुस्तकबिल संवारने के लिए कहाँ पे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, इंजीनियरिंग करना चाहिए, ला करना चाहिए, वो उसका तरीक़ेकार कैसा है और आपकी ज़िंदगी में आपने फैसला कैसा किया? जी जावेद साहब, इंशाल्लाह इसका जवाब ज़रूर दूँगा। जो भी हमारे देखने वाले नाज़रीन हैं मैं उनसे ये बताना चाहूँगा, चाहे पेरेंट्स रहने दीजिए या तालिबे इल्म रहने दीजिए जो जिनका जो SSC चल रहा है, तो आपको मैं ये मशवरा दूंगा कि आप अभी अगर 8th, 9th, 10th में हो तो आप उस टाइम पे ही डिसाइड कर लीजिए कि आपको कौन से सब्जेक्ट में दिलचस्पी ज़्यादा है। अब जैसे कि बायोलॉजी में ज़्यादा है, आप उस पर आप समझिए पहले अपने आप को कि आपको दिलचस्पी कौन से सब्जेक्ट में, मैथ्स में है या फिर आपको जो है सोशल सब्जेक्ट में है या फिर आपको जो है लैंग्वेजेस में है, जैसे कि उर्दू लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है, किस में आप पहले जो है अपने आप को पहचानिए कि आपको जो है कौन सी चीज़ अच्छी लगती है। अब मैं जब स्कूल में था मुझे स्कूल के वक्त से ही जो है सोशल सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग दिखता था, तकरीबन तालिबे इल्म को जो है सोशल सब्जेक्ट थोड़ा सा बोरिंग लगता है, बट मुझे जो है वो टाइम से, स्कूल के टाइम से जो है सोशल सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगता था। सोशल के जैसे कि वो टाइम पे मैंने 6 जो फंडामेंटल राइट्स होते वो मैं पहली बार अपने स्कूल के टाइम पे पढ़ा था। जी तो मैं वो टाइम पे ही रियलाइज़ कर लिया था कि मेरे को क्या अच्छा लगता है। फिर जब मेरा जैसे SSC पास हुआ है जावेद साहब, SSC पास होने के बाद जो है मैं CEC लिया। बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप MPC लीजिए, BIPC लीजिए। MPC मैं इसलिए नहीं ले सका क्योंकि मुझे मैथ्स में थोड़े से जो है मैथ्स में कमज़ोर था मैं, और BIPC में जो है बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, बायोलॉजी में डायग्राम्स वगैरह उतारने होते हैं तो वो मुझे बिल्कुल नहीं आता था। इंटरेस्ट किस में था, सोशल में था। सोशल में सब्जेक्ट आप जैसे कि आप SSC होने के बाद अगर CEC लेते हो तो सिविक्स इकोनॉमिक कॉमर्स रहता है, उसमें सोशल के ही सब्जेक्ट्स हैं वो, तो वो हिसाब से मैं देख कर जो है CEC ले लिया। अल्हम्दुलिल्लाह से जो है हमारा जो कॉलेज था वहाँ से मैंने सिविक्स में टॉप किया था माशाल्लाह। तो जो हमारे सिविक्स के टीचर थे और जो हमारे कोलीग्स थे लोग बोले कि आप एज लॉयर क्यों नहीं बनते, तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई केम अक्रॉस लॉयर क्या रहता है, उसमें स्कोप क्या है, उसमें वो है।
तो लोग के सजेशंस के बाद में इंटर मुकम्मल होने के बाद क्या किया, लॉ सेट बोल के एग्जाम होता है जानसा, इंटर के बाद अगर आप लॉ लेना चाहते हो इंटर के बाद या ग्रेजुएशन के बाद अगर आप लेते हो तो इंटर, जैसे कि एमसेट वगैरह जैसा एग्जाम होता है लॉयर्स के लिए जो है लॉ सेट एग्जाम होता है। इंटर के बाद जो है आपको 5 साल का रहता है वो, और ग्रेजुएशन करके आप करना चाहते हो तो 3 साल का होता है। तो मैं इंटर करने के बाद जो है हमारे उस्ताद के सलाह मशवरे से जो है लॉ सेट एग्जाम लिखा, उसमें जो है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को रैंक आया, सीट भी आ गई थी, काउंसलिंग के लिए बुलाए थे। मगर मुझे वो टाइम पे मैं लोगों से थोड़ा सा मशवरा करा कि इंटर करने के बाद क्या बेनिफिट्स रहेंगे उसके, इंटर करने के बाद जो है 5 साल का करूँगा तो क्या बेनिफिट रहेंगे। 5 साल का अगर मैं इंटर के बाद करता हूँ तो मुझे एक ही डिग्री मिलेगी, जो इंटर के बाद से मैं फर्स्ट ईयर से लेकर पूरे 5 ईयर्स करूँगा उसकी सिर्फ एक ही डिग्री रहेंगी, वो लॉ की रहेंगी, LLB रहेगा उसमें, ओनली LLB, उसमें BA LLB रहता, बट सर्टिफिकेट एक ही रहता। अगर आप ग्रेजुएशन करते हो, चाहे वो BA की फील्ड में रहें दो या BCom की फील्ड में रहें दो, कौन सी भी फील्ड में रहने दे, अगर आप ग्रेजुएशन करके करते हैं तो आपका ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट अलग होता है। ग्रेजुएशन जब जैसा आप मुकम्मल कर लोगे उसके बाद फिर आपको जो है अगर आप लॉ करना चाह रहे हैं बोल तो ग्रेजुएशन के बाद 3 साल का लॉ रहता है आपको, उसके बाद भी आपको उसके लिए भी जो है आपको लॉ सेट एग्जाम लिखना होता है। लॉ के उसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है, पहले आप अपने आप को पहचानिए कि आपको दिलचस्पी किस में है। अगर आपको मैथ्स के उसमें दिलचस्पी है ज़्यादा बोले तो आप जो है इंजीनियरिंग वगैरह कर सकते हैं, अगर आपको बायोलॉजी में दिलचस्पी है आप डॉक्टर भी बन सकते हैं, पहचानिए अपने आप को। आपको अगर ये भी है कि अगर हिस्ट्री भी आपको बहुत अच्छी लगती है तो आप आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट में जा सकते हो। तो अपने आप को सबसे पहले आप पहचानिए कि आपको पसंद क्या है एज अ स्टूडेंट, और वालिद वालदा की जिम्मेदारी ये रहती है कि उन्हें गौर फिक्र करने चाहिए कि बच्चे को दिलचस्पी ज़्यादा कौन सी चीज़ में पैदा हो रही है। बोलिए आरिफ साहब, आप बेहतरीन उसका जो तरीक़ेकार है वो पेश किया। मैं एक आखिरी सवाल आपसे ये करना चाह रहा हूँ कि आपके इंटरव्यू के बाद में अगर कोई यूथ में स्टूडेंट आपसे राबता करना चाहते हैं किसी भी पूछने के लिए कोई बात को या किसी भी किस्म से आप हेल्प लेना चाह रहे हैं तो आपका फ़ोन नंबर या आपसे किस किस्म से रابطہ कर सकते हैं, ज़रा नाज़रीन जी 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 मेरे दोस्तों आप मुझसे जो है कभी भी رابطہ कर सकते हैं लॉ के सिलसिले में। अगर आपको लीगल एडवाइस चाहिए या आप स्टूडेंट हो आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं फ्यूचर में क्या करूं, अगर आप लॉ में इंटरेस्टेड है, आपको सोशल सब्जेक्ट या सिविक सब्जेक्ट अच्छा लगता है, पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट अच्छा लगता है और लॉ करना चाह रहे हो, आप कभी भी मेरे पास आइए, आप मुझसे कभी भी रابطہ कर सकते हैं। फ़ोन नंबर जी 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 मेरा फ़ोन नंबर जो है 7675923320 है, आप कभी भी मुझसे रابطہ कीजिए, इंशाल्लाह मेरे से जो हो सका मैं आपको इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर जो है सलाह मशवरा देने की कोशिश करूँ। अच्छा एक बात आपसे ये है आरिफ साहब जी कि जैसा कि आपने लॉ में के ताल्लुक से इसकी अहमियत को उजागर किया, ख़ास तौर से कई एक जो प्राइमरी या हाई स्कूल्स होते हैं, प्राइमरी तो नहीं कह सकते हाई स्कूल जी जी जी, तो ये हाई स्कूल में ख़ास तौर पे अवेयरनेस के लिए जी, मेरे को ये नॉलेज में बात आई कि आप उनको ला के ताल्लुक से अवेयरनेस के लिए कई स्कूल्स में जाके प्रोग्राम्स भी करने का कुछ आज़म या इरादा रखते हैं, क्या बात सही है? जी 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 आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं जावेद साहब। मैं जो है मेरा इरादा यही है कि जो स्टूडेंट्स है उन लोगों में जाके जो है लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम्स करेंगे सोचता हूँ, जिसमें जो है उन लोगों को हिंदुस्तान के जो कानून हैं फॉर जैसे कि फंडामेंटल राइट्स है या आपका इंडिया का प्रीएम्बल क्या कहता है। अगर आप फॉर आज के ज़माने में ऐसा है हमारे जावेद साहब कि अगर किसी के घर पर पुलिस आती है तो लोग सबसे पहले डर जाते हैं, उन लोग के मतलब कुछ बात ही नहीं निकलती है ना, वो कुछ उन्होंने बात कर सकते हैं कानूनी तौर पर। हमारा कानून ये बताता है कि अगर कोई पुलिस आपके घर पे आ रही है तो सबसे पहले आपको उनसे पूछना चाहिए कि सर्च वारंट है या नहीं आपका। अच्छा अगर आप आ रहे हैं तो किस वजह से आए हैं, किस सिलसिले में आए हैं, ये आपके हक है, हिंदुस्तान के शहरी होने के जो है हिसाब से आपके ये हक है, मगर लोग को जो है उनके हकूक पता नहीं। अच्छा तो इस वजह से क्या है बोलते सो मैंने कोशिश सोचा है, इंशाल्लाह तो आने वाले वक्त में मैं इस पर काम ज़रूर करूँगा। तो मेरा ये काम रहेगा कि स्कूल्स के ज़रिए स्कूल्स में जाके या इंटर कॉलेजेस में जाके जो है नौजवान जो है लोग उनों में जाके अवेयरनेस लेने का लाना चाहूँगा, बेसिक चीज़ जो जैसे कि फंडामेंटल राइट्स वगैरह लोगों के जो बेसिक जो हक है वो उससे जो है अवेयर कराऊँगा, ये मेरा जो है इरादा है। बहरहाल हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह और हमारे नाज़रीन से भी ये इल्तिमास है कि वो भी हमारे आरिफ साहब के जो अज़ाइम है या इरादे हैं अल्लाह इनको पूरा करे और कौम व मिल्लत की
खिदमत का वो जज्बा भी दे और अमल भी दे और अमल के साथ अमल करने की तौफीक भी दे। हम वो इंतज़ार में इंशाल्लाह रहेंगे कि जिस दिन पहला केस हमारे आरिफ साहब एक गरीब को हक दिलाते हुए कामयाबी हासिल करेंगे, उस दिन इंशाल्लाह हम फिर आपके, अगर अल्लाह हमको इसकी ज़िंदगी देता है तो हम यकीनन आपके सामने फिर एक मरतबा आपके सामने यकीनन प्रोग्राम आरिफ साहब को लेके करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त अपने मेज़बान मोहम्मद जावेद को। अल्लाह हाफिज़।